नर से भी गए जो नर वाले नर पर ले मेघा एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक होली के लिए ट्यूटोरियल लाई हूँ, जिससे कि आप अपनी पिक्चर से होली के लिए ऐसे वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग घंटे के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, मैंने अपना एक और एडिटिंग का चैनल बनाया है, तो आप लोग जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी हम लोग इस वीडियो को काइंड मास्टर पे क्रिएट करेंगे, तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइंड मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो की रिजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे हम लोग एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे एंड इसकी साइज़ को हम लोग बढ़ा लेते हैं। इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके आपको जो भी वीडियो में पिक्चर्स को ऐड करनी है उसको आप लोग इसमें ऐड कर लो। तो यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर्स को ऐड कर लेती हूँ। इसके बाद इसको हम लोग फुल वीडियो तक कर लेते हैं। इसके बाद फिर से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाली पिक्चर को भी ऐड कर लेती हूँ। एंड फिर से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके मैं थर्ड वाली पिक्चर को भी ऐड कर लेती हूँ। इसके बाद इन दोनों को भी हम लोग फुल वीडियो तक कर लेते हैं। इसके बाद आपको अपने पिक्चर वाले लेयर को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से थ्री डॉट्स पे क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है। इसके बाद जो पिक्चर ऊपर में उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसकी कलर को हम लोग चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको कलर फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा एंड इसकी कलर को हम लोग ब्लू कर लेते हैं एंड इसकी कलर को हम लोग एडजस्ट भी कर लेंगे, तो इसकी सैटुरेशन को हम लोग बढ़ा लेते हैं। अब इसमें हम लोग ओवरऑल एनिमेशन को ऐड करेंगे, तो इसको आपको फ्लिकर करना है। इसके बाद इसमें भी सेम प्रोसेस, इसकी भी हम लोग एक डुप्लीकेट बना लेते हैं एंड जो पिक्चर ऊपर में है उसकी कलर को हम लोग चेंज कर लेंगे एंड इसमें भी ओवरऑल एनिमेशन को ऐड कर लेते हैं। अब इसमें भी सेम प्रोसेस, इसको भी हम लोग डुप्लीकेट बना लेते हैं एंड इसकी भी कलर को चेंज कर लेते हैं एंड इसकी कलर को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, तो सैटुरेशन को हम लोग बढ़ा लेते हैं एंड ओवरऑल एनिमेशन को ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे मैं कलर वाली वीडियो को ऐड कर रही हूँ, इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना एंड इसको आपको फुल स्क्रीन कर लेना है एंड इसके बाद यहाँ इसको हम लोग ब्लेंड कर लेंगे, तो इसको आपको स्क्रीन कर लेना है एंड इसमें सॉन्ग ऑलरेडी ऐड है, हम लोग उसको प्ले करके देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ से फिर से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे मैं एक PNG को ऐड कर रही हूँ, इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना एंड इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। इसको भी हम लोग फुल वीडियो तक कर लेंगे। इसके बाद इसका भी हम लोग एक डुप्लीकेट बना लेते हैं एंड जो ऊपर में है उसकी कलर को हम लोग चेंज कर लेंगे एंड इसमें भी ओवरऑल एनिमेशन को ऐड कर लेते हैं। तो बस फ्रेंड्स, हो गई ये वीडियो एडिट। सॉन्ग इसमें ऑलरेडी ऐड है। इसी तरह से आप अपनी पिक्चर से ऐसी वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है
एंड यहाँ पे आप वीडियो की साइज को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ यार आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर लो, और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।